स्थापना एवं इतिहास। प्रतापगढ़ को 1669 ईस्वी में महारावल प्रताप सिंह ने बसाया था। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का नवीनतम 35वां जिला है। इसका गठन 26 जनवरी 2008 को किया गया था। प्रतापगढ़ का क्षेत्र काठल कहलाता है। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को जिला बनाने की घोषणा हुई। प्रतापगढ़ की राजधानी देवगढ़ थी। उपनाम काठल की राजधानी, राजस्थान की राधा नगरी। भूगोल, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल 4,117.65 वर्ग किलोमीटर है। मानचित्र स्थिति 24 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 74 डिग्री 78 मिनट पूर्वी देशांतर है। प्रतापगढ़ जिला मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा के मध्य स्थित है। प्रतापगढ़ का सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश, प्रतापगढ़ के सीमावर्ती जिले उत्तर में चित्तौड़गढ़ जिला, पश्चिम में उदयपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, दक्षिण में मध्य प्रदेश के रतलाम और जावरा जिले तथा पूर्व में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला स्थित है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ जिले में बहने वाली नदियाँ, जाखम नदी उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। ऐराव नदी उद्गम प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से होता है। अन्य नदियाँ सूकली, भैरवी तथा माही। प्रतापगढ़ में वन एवं वन्य जीव सीता माता अभयारण्य, यह धरियावत एवं चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील में स्थित है। उपनाम चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। इस अभयारण्य में 2 जल स्रोतों को लवकुश नाम से जाना जाता है। परियोजनाएं, जाखम बांध परियोजना, जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा बांध है। देवगढ़ परियोजना, राज्य की दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में अमृतलाल पाठक एवं चुन्नीलाल द्वारा की गई थी। प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है, प्रतापगढ़ और धरियावाद। उपखंडों की संख्या 4, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी एवं धरियावाद। तहसीलों की संख्या 5, प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, धरियावाद एवं पीपलखूंट। पंचायत समितियों की संख्या 5। प्रतापगढ़ की कुल जनसंख्या 8,67,848 है। लिंगानुपात 983 है। साक्षरता दर 56% है। कला एवं संस्कृति, थेमा कला, थेमा कला में कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य है। थेमा कला के लिए महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री मिला है। प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख मेले, भंवर माता का मेला, यह मेला प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में भरता है। गौतमेश्वर महादेव का मेला, यह मेला प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक लगता है। दीपनाथ महादेव का मेला, दीपनाथ महादेव के मंदिर का निर्माण महारावत सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। सीता माता का मेला, सीता माता में यह मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। प्रतापगढ़ के दर्शनीय स्थल, काका जी की दरगाह, इस दरगाह को काठल की दरगाह कहते हैं। अरनोद, प्रतापगढ़ की इस तहसील में गौतमेश्वर या भूरिया बाबा का मेला लगता है। छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, यह मंदिर मेवाड़ मालवा के पंचतीर्थों में अद्वितीय स्थान रखता है। दीपेश्वर महादेव, जनमानस में दीपनाथ के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण दीप सिंह ने करवाया। केशवराय मंदिर, प्रतापगढ़ वासियों की आस्था का केंद्र, इस मंदिर में जलझूलनी एकादशी एवं विजयादशमी को भगवान केशवराय की विशाल रथ यात्रा का आयोजन होता है। श्री बामोतर तीर्थ, प्रतापगढ़ के समीप स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। सोली, सोली में हनुमान जी एवं महाकाल के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। प्रतापगढ़ जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, देवगढ़ में 6 मार्च 2011 को राज्य की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। इसका संचालन मैसर्स एशियन विंड टर्बाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अरनोद को काठल का हरिद्वार कहते हैं। प्रतापगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई भी रेलमार्ग नहीं है। सलीम शाही सिक्के, प्रतापगढ़, उदय विलास महल प्रतापगढ़, पोर्ट की बावड़ी प्रतापगढ़, घुटारसी अभिलेख प्रतापगढ़, तरल हींग का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है।